अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, अब क्या मैं रिज़ाइन डाल करके दूसरा कंपनी में तनाजुल ले सकता हूँ। दूसरा, मेरा कंपनी ने फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, अब उसको कैसे हटाया जा सकता है, क्या पॉसिबल है कि वो हटेगा। इसी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब आपको मान लीजिए कफाला लेना है कोई और कंपनी में कफिल के पास, आप रिज़ाइन दे रहे हो कंपनी में, तो क्या रिज़ाइन का पेपर दे करके आप कफाला ले सकते हो बिना उनका अप्रूवल का, बिना उनके मर्जी से। तो देखिए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया आपके कंपनी के साथ में, उस समय आपका कंपनी आपसे पूछती है कि फिर से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या फिर आपको एग्ज़िट जाना है। ये दो ऑप्शन दिया जाता है, काफ़ी लोग भी यही दो ऑप्शन देते हैं। तो उस समय आपको ये दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है। उस बीच आप कंपनी को बोल सकते हो कि मैंने कफाला के लिए दूसरा कोई कंपनी खोजा है, कफिल खोजा है, मैं वहाँ पर कफाला लेना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इजाज़त दीजिए। अगर आपका कफिल कंपनी बोलता है ओके, हम एग्री हैं, आप कफाला ले सकते हो, तभी आप रेजिग्नेशन डाल सकते हो कफाला लेने के लिए। अगर वो लोग एग्री नहीं होते हैं तो आप अपने मर्जी से रेजिग्नेशन डाल करके कफाला नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ऐसा अगर करेंगे तो आपका कफिल कंपनी आप पे हुरूप भी लगा सकता है या फिर वो आपको फाइनल एग्ज़िट भी लगा सकते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पे। बहुत लोग कंपनी सेट कर लेते हैं, कफिल सेट कर लेते हैं कि हमको कफाला लेना है, उसके बाद कंपनी को जब बोलते हैं तो कंपनी वाले यही करते हैं, ज़्यादातर कंपनी एग्जिट लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, जाओ भाई फाइनल एग्जिट लगा देते हैं। अब फाइनल एग्जिट लगने के बाद क्या आप रुक सकते हो सऊदी अरबिया में, दूसरा कंपनी में कफाला ले सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, ये पॉसिबल है तभी जब आपका कफिल या कंपनी, जो भी आपका स्पॉन्सर रहेगा, वही आपका फाइनल एग्ज़िट को कैंसिल करे। कैंसिल हो सकता है। फाइनल एग्ज़िट का जब वीज़ा इशू होता है तो 60 डेज़ तक टाइम रहता है, आप सऊदी अरबिया के अंदर में रह सकते हो, अगर आपका इकामा का वैलिडिटी रहता है तब। वैसे तो अगर आपका इकामा वैलिड नहीं रहता तो फिर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट भी नहीं लगता है। एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ। आज 1 जुलाई है, मान लीजिए किसी को 15 जुलाई को फाइनल एग्ज़िट में जाना है तो उनका इकामा का वैलिडिटी 16 जुलाई तक रहना होगा। अगर उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फिर उनका फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा जवाजात से इशू नहीं होगा। तो अगर किसी का भी इकामा वैलिड है और आप पे फाइनल एग्ज़िट लग चुका है तो 60 डेज़ तक आप रह सकते हो सऊदी अरबिया में लीगल तरीके से, आपको सुरता भी कुछ नहीं बोलेगा। और इस 60 डेज़ के अंदर आप अपने कंपनी से, अपना स्पॉन्सर से, कफिल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप मेरा फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा को कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन ये कैंसिल करने के लिए 1000 रियाल चार्ज लगता है, वो या तो आपको पे करना पड़ेगा या आपका कंपनी को पे करना पड़ेगा। जावजात ये नहीं बोलेगा कि कौन पे करो, जावजात को 1000 रियाल चाहिए जो उसका फ़ीस है। तो कंपनी वाले हो सकता आपको बोले कि आप ये फ़ीस पे कर दो, मैं कैंसिल कर देता हूँ, अगर वो मेहरबान हो जाते हैं तो, तभी आप उसको कैंसिल करके रुक सकते हो सऊदी अरबिया में और दूसरा कोई कंपनी में कफाला ले सकते हो। अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लग चुका है तो फिर आप सऊदी अरबिया के अंदर उसको बिना कैंसिल किए नहीं रह सकते, ये इलीगल होगा। 60 डेज़ के बाद आप इलीगल तरीके से सऊदी अरबिया में रहोगे, सुरता जब भी आपको पकड़ेगा, पुलिस जब भी पकड़ेगा, आपको अरेस्ट कर लेगा, फिर आपको डिपोर्ट कर देगा, फिर सऊदी अरबिया में लाइफ टाइम आप नहीं आ सकते हो, बैन हो जाओगे। तो ये दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।